मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 3 में आज आप लोग का पाठ्य पुस्तक होगा। पाठ 4 है, पाठ का नाम है टेडी बियर सा पांडा। इसमें पांडा के बारे में बताया, जो दिखने में बिल्कुल टेडी बियर की तरह लगता है और इसका रंग सफ़ेद और वाइट रहता है और ये भालू के प्रजाति का एक मतलब जानवर माना जाता है, प्राणी माना जाता है भालू के प्रजाति का। आइए इसके बारे में बता दूँ कुछ, आप लोग बुक रीडिंग भी कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये पांडा जो है वो भालू के से मिलते जुलते प्रजाति का है। यह एक एकांत प्रिय एवं शांत स्वभाव के कारण इसका अलग पहचान रहता है। अंग्रेजी में पांडा को जॉइंट पांडा कहा जाता है और हमारे पृथ्वी से यह विलुप्त होने के कगार पर पांडा आ गया है। इससे पांडा का सबसे प्रिय भोजन बांस है और यह इसका 95 से 99% भोजन बांस है। यह दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वतों में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। पांडा जो है वो दक्षिण पश्चिम के चीन के पर्वतों में पाया जाता है। पांडा को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। इसकी पाचन शक्ति जो है वो बहुत कमज़ोर होती है, इसीलिए इसे लगभग पूरे दिन खाना पड़ता है। 12 घंटे इसको खाना खाना पड़ता है तभी इसका पेट भरता है। 18 से 20 ग्राम भोजन पांडा खाता है 12 घंटे में। खाते समय टहनी आदि को पकड़ने के लिए पांडा अपनी कलाई से उभरी हुई विशेष हड्डी का प्रयोग करता है। कलाई मतलब ये हुआ, इसी से पकड़ के पांडा अपना भोजन को मुंह में डालता है, खाता है। पांडा को यद्यपि शाकाहारी होता है किंतु कभी कभी अंडे, कीट पतंगे, यहाँ तक कि चूहे खरगोश भी पांडा खा लेता है अपने भोजन के रूप में। व्यस्त पांडा की ऊंचाई कंधे से 3 फीट ज़्यादा हो सकती है, अर्थात इसकी कुल लंबाई 6 फीट तक होती है और इसका वजन 114 किलोग्राम होता है। नवजात पांडा गुलाबी रंग के रुएं की तरह होता है और कुछ दिनों में इसकी त्वचा पर काले और सफ़ेद धब्बे उभर जाते हैं जो पांडा की तरह दिखने लगता है। आजकल पांडा का जो प्राकृतिक आवास है उसको इंसानों द्वारा नष्ट किए जाने से यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे आ गया है। इंसान अपने इमारती लकड़ी और खेती योग्य भूमि संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पांडा के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रहे हैं, जिस कारण इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। 1970 में केवल 1000 ही पांडा वन में पाए गए थे, इसकी संख्या इतनी घट गई है। इसके बाद 80 के दशक में इसे संकटापन प्राणी घोषित कर दिया, मतलब विलुप्त प्राणी के घोषित कर दिया गया। पांडा को संरक्षित करने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए और उसकी संख्या 2016 में कुछ लेवल पे आई। इसकी संख्या अब इसे पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है। ये है पांडा की स्टोरी में टेडी बियर सा दिखता है। अब लोग इसको शब्दार्थ लिख लेंगे, PDF में डाला हुआ है। चलिए कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर उसको बता देती हूँ, ओरल ही है और लघु उत्तरीय भी क्वेश्चन आंसर करके PDF में डाला हुआ है। इस पाठ में किस प्राणी की चर्चा की गई है? तो इस पाठ में पांडा की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है मौखिक का, अंग्रेजी में पांडा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों ने कहानी में पढ़ा है अंग्रेजी में पांडा को जॉइंट पांडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है पांडा की पाचन शक्ति कैसी होती है? तो कहानी में है कि पांडा की पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, जिसे उसे दिन भर खाते रहना पड़ता है, उसका तभी भूख मिटता है। लास्ट क्वेश्चन है मौखिक का, पांडा कहाँ का निवासी है? तो बुक में स्टोरी में है पांडा दक्षिण पश्चिम के चीन के पर्वतों में पाया जाता है। मौखिक हो गया आप लोग का। अब आइए लघु उत्तरीय पर। लघु उत्तरीय का प्रश्न 1 है पांडा का प्रमुख भोजन क्या है? तो बुक में आप लोगों ने पढ़ा है कहानी में पांडा का प्रमुख भोजन बांस है। क्वेश्चन नंबर 2 है पांडा पूरे दिन में कितना भोजन खाता है? तो इसका आंसर होगा पांडा पूरे दिन में लगभग 18 से 20 किलोग्राम भोजन खा लेता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पांडा का हो गया, पूरे दिन भर में
18 से 20 किलोग्राम भोजन खाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पांडा का प्राकृतिक आवास क्यों काटा जा रहा है। तो स्टोरी में आप लोगों ने पढ़ा है, इमारती लकड़ियों व खेती योग्य भूमि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पांडा का प्राकृतिक आवास अर्थात बांस के वन निरंतर काटे जा रहे हैं। पांडा जो है वो बांस के वन में ही निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 30, थर्ड आप लोग का हो गया। लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1970 में पांडा की कुल संख्या कितनी थी। तो कहानी में आप लोगों ने पढ़ा है, वर्ष 1970 में पांडा की कुल संख्या 1000 थी। ठीक है, अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर और बुक में कुछ है भरने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वैकल्पिक है, मैच करने वाला है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना। इसको आप लोग बुक रीडिंग जरूर कर लेंगे, बुक रीडिंग बहुत अच्छा लगेगा करने में, स्टोरी भी समझ में आएगी और इसको कंप्लीट कर लेंगे फेयर कॉपी में, पाठ्य पुस्तक वाली कॉपी में कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।